नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉल इंडिया। मैं हूं आपके साथ जोही सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तरकाशी में आज चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। द्रोपदी डांडा में 19 शव बरामद हुए और अभी भी 10 ट्रेनर्स लापता है। इनके मिलने की उम्मीद कम जताई जा रही है। उत्तरकाशी में आज भी मौसम खराब है, जिसके चलते रेस्क्यू अभियान में काफी दिक्कतें आ रही हैं। खबर अलीगढ़ से है। अलीगढ़ में बीजेपी विधायक रविंद्र पाल सिंह के गुर्गों की गुंडई देखने को मिली। यहां टोल बैरियर तोड़कर विधायक लिखे स्कॉर्पियो आगे बढ़ गई और जब टोल कर्मचारियों ने रोकने की कोशिश की, तब इन गुर्गों ने केबिन में घुसकर टोल कर्मचारियों को पीटा। श्रावस्ती जिले में नेपाल से छोड़े गए पानी, लगातार बारिश और बाढ़ ने पूरे इलाके में हाहाकार मचा दिया है। इस बार राप्ती नदी ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। जिले के चारों तरफ पानी ही पानी है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। तहसील, ब्लॉक, कलेक्ट्रेट, अस्पताल, विकास भवन सहित सभी सरकारी कार्यालयों में बाढ़ का पानी घुस गया है। 50 से अधिक गाँव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। बाढ़ से निपटने के लिए DM नेहा प्रकाश अफसरों के साथ राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों से लोगों को निकालकर शेल्टर होम पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दें कि खाने की पैकेट बांटे गए लेखपाल की नाव पलटने से डूबने पर अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। मामला लखनऊ का है, जहां विवाह के विज्ञापन से महिलाओं को ठगने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अखबार में विवाह के विज्ञापन के लिए महिलाओं को ठगता था और संपन्न परिवार की विधवा, तलाकशुदा, सरकारी नौकरी वाली महिलाओं को अपना निशाना बनाता था। इतना ही नहीं, वह खुद को जज बताया करता था। एक महिला से 43 लाख रुपये जेवर ठगने और शादी का झांसा देकर महिला से रेप का भी आरोप लगा है। हजरतगंज पुलिस और साइबर सेल ने विज्ञापन के जरिए ही आरोपी को चेक किया है और पीड़िता की शिकायत के बाद लखनऊ साइबर क्राइम सेल ने विष्णु शंकर गुप्ता नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। नेपाल के तराई इलाकों में भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। जलभराव के कारण 2 दिनों से कई गांवों में चूल्हा नहीं जला है। बलरामपुर के अलावा तुलसीपुर, द्रौला समेत आसपास के कई गाँव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर है, जिसके चलते कई इलाकों में आवागमन ठप हो चुके हैं। गाँव के अंदर पानी घुसने से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग मौसम के ठीक होने का इंतज़ार कर रहे हैं। खबर अमेठी से है। उत्तर प्रदेश में बना लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पहली ही बरसात में धंसने लगा है। जगदीशपुर विधानसभा में बीती रात हालियापुर में सड़क बैठ गई। 5 फीट गहरा और 15 फीट लंबा गड्ढा हो गया है। फिलहाल यूपीडा की ओर से गड्ढे को बराबर किया जा रहा है। उधर यूपी कांग्रेस ने ट्वीट कर सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने लिखा कि सरकार के भ्रष्टाचार का इससे बड़ा साक्ष्य क्या होगा। बता दें कि 11 महीने पहले बनकर तैयार हुए इस एक्सप्रेसवे पर सड़क बैठने का ये पहला मामला नहीं है। मई 2021 में भी 3 दिनों तक हुई बरसात में कुवासी हलियापुर के बीच एक्सप्रेसवे के अंडरपास की बीम दरक। अभी के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वॉल इंडिया के साथ।